हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रॉ पपाया हलवा की रेसिपी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक रॉ पपाया को हमने छिलका निकाल के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, और अभी इनको हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, हमने पपाया को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और चूल्हे पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा दिया है। कढ़ाई गरम हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच घी। और अभी घी में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच काजू, 1 बड़ा चम्मच किशमिश, 2 बड़े चम्मच खजूर, 1 बड़ा चम्मच बादाम, 1 बड़ा चम्मच बादाम। और अभी इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अभी इनको हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। और अभी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी, और घी डालने के बाद साथ ही में डाल देंगे 4 से 5 क्रश्ड हरी इलायची और 1 तेज पत्ता, और इनको 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। और अभी हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ पपाया। पपाया डालने के बाद अभी इनको हम 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे। और अभी हम डाल देंगे लगभग 1 गिलास दूध। साथ ही में डाल देंगे 1 कप चीनी। अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा चीनी डालिएगा। और फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स, और अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी मीडियम फ्लेम पर इनको हम पकाएंगे ताकि जो पपाया है वो अच्छे से कुक हो जाए और जो दूध है वो सूख जाए। लगभग 7 मिनट हो चुका है और पपाया काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अभी इसे और थोड़ी देर तक हम पकाएंगे ताकि जो दूध है वो अच्छी तरह से सूख जाए। और अभी हम गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे।
तो देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।